स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के इस सेशन में। आज हम लोग 1 अप्रैल के न्यूज आइटम्स देखेंगे जो कि GS3 से हमारे रिलेटेड है। पहला जो टॉपिक है जो डिस्कस करना है वो है ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या फायदे नुकसान होते हैं इसके, क्या कुछ नुकसान भी होते हैं। इसके अलावा साउथ एशिया के जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे हम लोग, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा। इसके अलावा हम लोग सस्टेनेबल प्लास्टिक्स के बारे में कुछ बातें स्टडी करेंगे। देखिए, हम लोग बात करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन का जो मार्केट है उसकी, ठीक है। वाटर प्यूरिफाई करने के कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा फेमस आपका है रिवर्स ऑस्मोसिस का तरीका। तो करीबन आपके वाटर प्यूरिफायर का मार्केट का 37% जो आपका सेल होता है वो आपका RO, जो वाटर RO है, रिवर्स ऑस्मोसिस से प्यूरिफाई करने वाले जो वाटर फिल्टर्स हैं उनका 37% आपका शेयर है, आपका मार्केट शेयर। और ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन का जो मार्केट है ये काफी बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और कहा जाता है कि ये दुगना हो जाएगा, 2x हो जाएगा बाई 2032 तक दुगना हो जाएगा। लेकिन अभी एक डिबेट हम लोगों के सामने आ रहा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस के कुछ आपके हेल्थ इम्पैक्ट भी होते हैं। अब उन हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में भी स्टडी करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो हम लोग बात करते हैं जो रिवर्स ऑस्मोसिस का फायदा क्या होता है। तो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से रिमूव हम लोग कर सकते हैं जो पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, आपका फ्लोराइड हो गया, ऐसे पोल्यूटेंट्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये तो एक अच्छी बात है। इसके अलावा आपके पानी में कई आपके होता है TDS, हमने पढ़ा होगा ना TDS। TDS क्या होता है? दैट इज टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं पानी के अंदर, और ये जो RO टेक्नोलॉजी ये क्लेम करती है कि 90 से 100% TDS ये पानी से रिमूव कर देता है। तो ये पानी से अगर TDS रिमूव हो जाएगा तो उसके कुछ नुकसान भी हमको देखने को मिलते हैं। पानी के अंदर ये जो आपके डिजॉल्व जो सॉलिड्स होते हैं उसमें कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होता है, और ये सब हार्मफुल नहीं होते, ये सब हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग आपका टोटल TDS सब सारा टोटल हमारा जो TDS जो टोटल रिमूव कर दिया जाएगा तो ये सारे जो यूजफुल मिनरल्स हैं ये भी तो रिमूव हो जाएंगे, ये हम बिल्कुल नहीं। और ये जो TDS कम TDS वाला पानी जब हम लोग पीते हैं हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारे बॉडी के अंदर से कुछ एंजाइम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके ये करने करने से आपको काफी ज्यादा हेल्थ में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, आपके हेल्थ को ये इम्पैक्ट करता है। तो ये एक नुकसान भी होता है आपका RO यूज। अब प्रॉब्लम हम समझ गए होंगे, अब इसके सोल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो हम लोग स्टडी करते हैं अगले साइड में। तो एक आपका जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का, देखिए NGT का ऑर्डर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि देखिए RO का हम लोगों को यूज करना है जहां पे TDS की वैल्यू जब लेस देन 500 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम है तो वहां पे आप RO का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको 2022 में अपील किया कि हाँ भाई सही बात है, ऐसा होना चाहिए इस गाइडलाइन। तो भाई RO का इस्तेमाल क्या बंद कर दे? नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं है। जो आपका रीजन स्पेसिफिक देख सकते हैं आप, रीजन स्पेसिफिक आपका जैसा रीजन होगा, रीजन में पानी के कैसा कंडीशन होगा, पानी का कंडीशन कैसा होगा, उसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि हमें RO का इस्तेमाल करना है या कैंडल। आपका कैंडल का इस्तेमाल करके भी हम लोग रिमूव करते हैं, वाटर फिल्टर देखा होगा जिसमें ऐसे कैंडल्स लगे होते हैं, ऐसे कैंडल्स लगे होते हैं यहाँ पानी भर दिया जाता है, तो कैंडल्स के थ्रू भी वाटर प्यूरिफिकेशन किया जाता है। इसके अलावा आपका कार्बन की मदद से वाटर प्यूरिफाई किया जाता है, और UV टेक्नोलॉजी की मदद से भी वाटर प्यूरिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो कौन से रीजन में कौन सा प्यूरिफिकेशन मेथड आपका यूजफुल होगा इसको ध्यान में रखते हुए हमें रीजन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बनाने की जरूरत है। तो ये पहला पॉइंट हमको समझ में आया। सेकेंड, हम लोग बात करते हैं टारगेटेड टेक्नोलॉजीज की, यानी कि टारगेट करेंगे हम लोग केवल पोल्यूटेंट्स को हम लोग टारगेट करेंगे, लेकिन जो मिनरल्स हैं आपके मिनरल्स हैं उसको टारगेट नहीं करना है। तो ऐसा अगर टारगेटेड टेक्नोलॉजीज डेवलप किया जाए तो भी हमारा काम बन सकता है। देखिए तीसरा पॉइंट थोड़ा सा होलिस्टिक है, थोड़ा दूरदर्शी अगर हम लोग सोचे, जैसे कि हम क्या करते हैं जमीन के नीचे से ऐसे पानी निकालते हैं हैंडपंप और पंप के थ्रू, और फिर हम लोग हमारे घर में पानी आता है। तो ऐसा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल अगर हम ना करें और हम लोग रिजर्वायर्स बनाने पर फोकस करें, रिजर्वायर हम लोग बनाने पे अगर फोकस करें, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है, हम जानते हैं अमृत सरोवर मिशन, आपका अमृत सरोवर मिशन की बात यहाँ पे हम लोगों ने की, अमृत सरोवर मिशन का इस्तेमाल करके हम लोग रिजर्वायर्स बना सकते हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन के थ्रू भी हम लोग रिजर्वायर्स बना रहे हैं।
तो रिजर्वॉयर्स बनाएंगे तो जो हमारा बरसात का पानी है उसको अगर हम लोग इकट्ठा कर लें तो भी हमारे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एक और मेथड हो सकता है कि हमारा जो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो टीडीएस कंट्रोलर लगाया जाए आपके प्यूरिफायर में। टीडीएस कंट्रोलर के साथ साथ आपका मिनरल इन्फ्यूजन भी किया जाए, मिनरल इन्फ्यूजन, यानी कि टीडीएस को तो हमने कंट्रोल कर लिया, टीडीएस कर लिया, लेकिन अगर कोई यूजफुल मिनरल को भी हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं तो उस मिनरल को दोबारा इन्फ्यूज कर दिया जाए पानी में। तो ऐसे मिनरल इन्फ्यूजर करके हमारा जो पानी है दैट शुड बी फुल ऑफ हेल्दी मिनरल्स, जो हेल्दी मिनरल्स ऐड करके भी हम लोगों को दिया जा सकता है पानी, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अगला तरीका है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्स का आप प्रॉपर मैनेजमेंट करिए, जिसमें ऑब्वियसली लोकल स्टोरेज की बात तो हम लोगों ने कर ही ली अभी। सेकंड हमारा फ्लड कंट्रोल, आपका फ्लड कंट्रोल का तरीका होना चाहिए। ये जो इतना सारा पानी फ्लड के रूप में आ रहा है इसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए ना, इसको हम लोग यूज कर सके पानी, ऐसा सिचुएशन बन। नेक्स्ट है आपका रिवर का मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। रिवर मैनेजमेंट के साथ ऑब्वियसली मैनेज करेंगे हम रिजर्वॉयर्स को, मैनेज कर सकते हैं हम लोग रिजर्वॉयर्स को, ठीक है। देखिए अब रिवर मैनेजमेंट पर थोड़ी और बात करें, तो रिवर मैनेजमेंट पर बात हम लोग थोड़ा सा अगला जो टॉपिक है वो तो रिवर मैनेजमेंट के ऊपर ही है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारा तरीका क्या हो सकता है, हम लोग एग्रीकल्चर में पानी काफी बर्बाद होता है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अगर हम लोग जैसे कि वाटर एफिशिएंट जो क्रॉप्स हैं, जो कम पानी का इस्तेमाल होता है जिनको उनकी सिंचाई में, तो ऐसे क्रॉप्स का यूज कर सकते हैं हम लोग, कल्टीवेट कर सकते हैं, जैसे कि मिलेट्स हो गए, ठीक है, वो ज्यादा पानी नहीं यूज करते उनके पैदावार में, लेकिन जैसे राइस में काफी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मिलेट्स का अगर यूज करना चालू कर दें हम लोग अपने खान पान में, तो भाई ये वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स का यूज बढ़ेगा और जिससे हमारा पानी का बचत होगा। इसके अलावा और क्या कर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम लोग कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं ग्राउंड वाटर को, फिर हम लोग उसको उससे इरिगेशन का काम ले रहे हैं, तो ये जो ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है इसको रेगुलेट करना है। मनमाने तरीके से हम लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी रिसर्च एंड इनोवेशन पे आप फोकस करिए और लोगों में जागरूकता बढ़ाइए, अवेयरनेस बढ़ाइए लोगों में, और साइंटिफिक स्टडीज करने की जरूरत है कि भाई आरओ का इम्पैक्ट क्या इम्पैक्ट हो रहा है ह्यूमन के हेल्थ पे, इस पे और ज्यादा साइंटिफिक स्टडी करने की भी तो जरूरत है, और ऑब्वियसली अवेयरनेस भी बढ़ाना है कि भैया आरओ का क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पर, ये लोगों को भी जागरूक करना है इसके बारे में ताकि लोगों को पता चले। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट का एक स्कीम है नैक्विम, NAQUIM, यानी कि नेशनल एक्वीफर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट, नेशनल एक्वीफर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो भी ग्राउंड वाटर हमारा है उस ग्राउंड वाटर की हमें प्रॉपर मैपिंग करने की जरूरत है, मैपिंग करेंगे तभी तो उसका मैनेजमेंट प्रॉपर कर, तो ये काम करने के लिए हमारा ये जो स्कीम है दैट इज नैक्विम। भाई साउथ एशिया के जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसके बारे में जानकारी करते हैं इस आर्टिकल में। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन से हैं, हम जानते हैं कि भाई इंडस रिवर है, इसके अलावा हम लोग गंगा रिवर के बारे में जानते हैं, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानते हैं, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो इंडस रिवर बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को इम्पैक्ट करता है, करीबन 268 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट करता है इंडस रिवर। और अगर बात करें गंगा रिवर की, तो गंगा रिवर तो आपका 600 मिलियन तो इंडिया में, 600 मिलियन इंडिया में, और नेपाल में करीबन 29 मिलियन लोगों को अफेक्ट करता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र आपका 114 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट करता है। इतने लोगों को इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट कैसे करता है भाई, वाटर की स्केयरसिटी कम नहीं होगी, वाटर की स्केयरसिटी यानी कि वाटर की कमी नहीं होती इनकी वजह से। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में तो इन नदियों का यूज है, एग्रीकल्चर में इसका यूज होगा तभी आपका देश फूड सिक्योरिटी होगी, देश में फूड सिक्योरिटी तभी होगी जब आपका एग्रीकल्चर प्रॉपर हो। एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं रिवर्स पे डिपेंडेंट होता है, और इवन इन रिवर्स से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट काम हम देखते हैं कि रिवर्स के थ्रू किया जाता है, इसलिए अगर हम ये कहें दीज रिवर्स आर ऑल्सो द लाइफ लाइन ऑफ, जितने भी हमारे नेशंस हैं उनकी ये लाइफलाइन है, ठीक है, ये रिवर्स अगर इफेक्ट हो गए तो पूरे देश का जो लाइफलाइन है वो बिगड़ जाए। तो हमने देखा, अच्छा इंडस नदी हमने बात की कि भैया इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को इफेक्ट करती है, गंगा रिवर तो आपका इंडिया को भी इफेक्ट करती है, इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश को भी इफेक्ट करती है और साथ साथ नेपाल को भी इफेक्ट करती है, तो तीन कंट्रीज को इफेक्ट करती है, लेकिन इन तीन कंट्रीज ने कभी भी कोई
ट्राइलैटरल एग्रीमेंट साइन नहीं किया गंगा वाटर के को ले, कोई भी ट्राइलैटरल एग्रीमेंट नहीं है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान के बाद में इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया है। और हम लोग ब्रह्मपुत्र की बात करें, इंडिया चाइना के बीच में भी एग्रीमेंट है, इंडिया चाइना के बीच में भी हम जानते हैं एग्रीमेंट है, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो इन रिवर्स को प्रॉपर मैनेज करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रिवर बेसिंग मैनेजमेंट पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं, 30 मील आपका सॉल्यूशन नहीं देता है, पूरे रिवर्स, ये पूरा रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ ड्रेन कर रही है, कहाँ कहाँ नदी है, कहाँ कहाँ नाले बनाने हैं, कहाँ कहाँ कैनाल्स बनाने हैं, कौन कौन से रिवर्स को इंटरकनेक्ट कहाँ कहाँ से करना है, ठीक है, इस वक्त मतलब कहाँ कहाँ से नहरें निकाल के नई जगह पे ले जानी है। तो ये सारा जो प्लानिंग है ये हम लोग करते हैं थ्रू इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट में पहले तो आपका प्लानिंग करना पड़ेगा, सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग, ताकि ओवर यूज ऑफ वाटर से बचा जा सके। इसके बाद आपके कौन से नहर में कितना पानी जा रहा है, क्या इसका पूरा जो डेटा है, डेटा शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, डेटा शेयरिंग होगी ताकि पानी कितना अवेलेबल है, आपका कौन कौन सा बायोडायवर्सिटी इन यहाँ पे रहता है और इन इन रिवर्स पे डिपेंड करता है, साथ में इन रिवर्स में क्या पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन के सोर्सेस क्या है, इन सब का डेटा हम लोग शेयर करेंगे, तब जाके बढ़िया प्लानिंग हो पाएगी और हम लोग सही डिसीजन ले पाएंगे। तो इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए हमारा सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग भी जरूरी है और डेटा शेयरिंग भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। और हम लोग करते हैं होल बेसिन रिसर्च, होल बेसिन रिसर्च मतलब पूरे बेसिन का रिसर्च करना काफी ज्यादा जरूरी है प्लानिंग पर्पज से। तो ये पूरा जो सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट। अब ये जो रिवर बेसिन का मैनेजमेंट है, क्योंकि इंटर कंट्री है, अलग अलग कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, तो ट्रस्ट बिल्डिंग काफी ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट बिल्डिंग करने का काम किसका है, पॉलिसी मेकर्स का, जो भी कंट्रीज का पॉलिसी बनाते हैं वो एक ट्रस्ट बिल्ड करे नेशंस के बीच में और रिसर्चर्स साथ में मिलके काम करे, और ताकि और ये हम लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज होने के कारण काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। तो ऐसे क्लाइमेट चेंज और खराब चेंजेस, कहीं फ्लड्स आता है, कहीं ड्राउट हो जाता है, कहीं स्टॉर्म आ जाता है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण एनवायरमेंट चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज से बचना चाहते हैं तो आपस में साथ मिलकर काम करना जरूरी है। और जरूरी क्या, डायलॉग एंड कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी है। डायलॉग, सारी कंट्रीज आपस में जब बातचीत करेंगी और कोऑपरेट करेंगी तभी हम लोग क्लाइमेट चेंज को रेजिस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, रिवर इंटरलिंकिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, 37 रिवर्स जो है उनको आपस में लिंक करना है ताकि हमारा फ्लड्स और ड्राउट को मिटिगेट किया जा सके। फ्लड्स और ड्राउट्स को हमें मिटिगेट करना है, दूर भगाना है, तो रिवर्स की लिंकिंग करनी पड़ेगी। मैप क्वीन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी मैपिंग करना जरूरी है। और एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए कंट्री में इरिगेशन हमारा बढ़े उसके लिए स्कीम लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और मिशन अमृत सरोवर हम लोग जानते हैं, मिशन आपका अमृत सरोवर क्या है, मिशन अमृत सरोवर हमें हर डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चाहते हैं कि देयर शुड बी 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और फाइनली एक और स्कीम हम जानते हैं, जल जीवन मिशन पर भी काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा जल जीवन मिशन भी लॉन्च किया गया है इसी रीजन की, ताकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर घर घर पहुंच। और फाइनली हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज का, वो है सस्टेनेबल प्लास्टिक के ऊपर। कल भी वैसे एक टॉपिक था इसके ऊपर, सस्टेनेबल प्लास्टिक का, तो एक रिविजन मान सकते हैं आप। देखिए, प्लास्टिक वेस्ट के बारे में हम जानते हैं, प्लास्टिक जो वेस्ट है धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जा रहा है कंट्रीज में, और प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि डिग्रेड नहीं करता, ये आपका डिग्रेड नहीं करता, सालों साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल तक ये बिल्कुल डिग्रेड नहीं करता। डिग्रेड का मतलब होता है कन्वर्जन टू ऑर्गेनिक। तो भाई, ये जो प्रॉब्लम है प्लास्टिक की, इसको सॉल्व करने के लिए अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, दैट इज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अब ये देखिए, बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स में देखिए डिफरेंस, वैसे तो कह सकते हैं कि एक ही साथ दोनों को यूज किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी डिग्रेड होता है और कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स भी आपके बायोडिग्रेड होते हैं, दे आर डिग्रेडेड इन। तो भाई, दोनों ही आपका नेचर में डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन कंपोस्टेबल प्लास्टिक थोड़ा सा ये काम इनका थोड़ा जल्दी होता है, फास्ट होता है। तो सारे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कंपोस्टेबल प्लास्टिक नहीं है, लेकिन सारे कंपोस्टेबल प्लास्टिक आपके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ठीक है। आई होप बात समझ में आज आ गई होगी आपके। कंपोस्ट है ना, जैसे कंपोस्ट हम हमारे घर में जो वेजिटेबल्स वगैरह है
उसको देखिए अगर हम जमीन में गाड़ दें तो ये मैन्योर फॉर्म कर जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी से लिंक करके हम देख सकते हैं वो जो जो प्लास्टिक है जो बहुत तेजी से आपके डिग्रेड हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स, ठीक। तो इन दोनों में एक खासियत तो होती ही है कि ये डिग्रेड हो जाता है इन नेचर, ठीक है। इसके अलावा एक और खास बात होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है कि ये दे शुड नॉट लीव एनी माइक्रो प्लास्टिक रेसिड्यू। तो ये बात समझ में आ गई, दो कंडीशन चाहिए, एक डिग्रेडेड नेचर में डिग्रेड कर जाए और दूसरा माइक्रो प्लास्टिक का रेसिड्यू नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठेगा कि भाई माइक्रो प्लास्टिक बोलते कैसे हैं? वो प्लास्टिक जिसका साइज आपका 1 से लेके 1000 माइक्रोमीटर के बीच में होता है उसको हम लोग बोल देते हैं माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है। अगला सवाल है कि भाई ये माइक्रो प्लास्टिक रेसिड्यू से दिक्कत क्या है? ये आपका जो माइक्रो प्लास्टिक अगर रेसिड्यू बच जाता है तो ये अपने आप में आपका पोल्यूशन थ्रेट है, इसके वजह से आपका पोल्यूशन होता है, ठीक है। दिस इज अ पोल्यूशन थ्रेट। तो पोल्यूशन थ्रेट होने के कारण हम चाहते हैं कि भैया बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक डिग्रेड होने के बाद छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक ना रेसिड्यू छोड़ दें। तो ये भी एक कंडीशन होती है, अगर किसी प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बोलना है तो ये माइक्रो प्लास्टिक वाला कंडीशन भी मानना बड़ा जरूर। तो अब ये सारे जो आपके रूल्स हैं ये जो सर्टिफाई करेगा कि कौन सा प्लास्टिक आपका बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ये करने का काम किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपका CPCB, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा सर्टिफाई करा जाएगा कि आपका प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है। चलो ठीक है, अब ये दो कंडीशन पे दोबारा आते हैं। ये दो कंडीशन में आपका डिग्रेडेड इन नेचर तो पहला कंडीशन है। तो अगर हम ये कह दें प्लास्टिक 100 साल में डिग्रेड हो रहा है तो क्या चलेगा? नहीं। आप कहोगे भाई डिग्रेड तो हो रहा है लेकिन 100 साल में हो रहा है तो इसको बोल दीजिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन काफी स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि आपका 90% आपका डिग्रेड हो जाना चाहिए, 90% आपका डिग्रेड होना चाहिए 2 ईयर्स में, 2 साल में अगर 90% डिग्रेड हो जाएगा जाता है आपका प्लास्टिक तो हम कह देते हैं कि भाई ये एक बायोडिग्रेडेबल। और जब इसकी चेकिंग वगैरह होती है ना तो कई कबार ऐसा होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, मतलब टेस्टिंग हो रही है लेकिन आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि हाँ ये आपका बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है हालांकि इस पर टेस्ट तो चल रहे हैं। ऐसे कोई भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट देने का सिस्टम खत्म कर दिया गया है, जब तक पूरी टेस्टिंग खत्म नहीं होती कोई भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। यानी कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, काफी ज्यादा आपके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स तो है लेकिन ये रूल्स मेंशन कहां पर हैं? तो ये रूल्स आपके हैं आपके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इसको अमेंड कर दिया गया है 2024 में। अमेंड करने के बाद ये जो रूल्स हैं आपके कि आपका डिग्रेड होना चाहिए, कोई भी माइक्रो प्लास्टिक का रेसिड्यू नहीं छूटना चाहिए, तो ये सब अमेंडमेंट ऐड किए गए हैं 2024 के रूल्स। अब इसका एक ड्रॉबैक भी देख लीजिए, ये जो माइक्रो प्लास्टिक रेसिड्यू नहीं होना चाहिए ये वाला जो रूल है, इस रूल को फॉलो कराने के लिए आपको वेरीफाई करने के लिए आपको टेस्ट चाहिए ना, तो इन टेस्ट के केमिकल टेस्ट कराने पड़ते हैं आपको। तो इन केमिकल स्पेसिफिकेशन जो है ना, स्पेसिफिकेशंस कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसको भी क्लियर करने की आवश्यकता है, इसमें और थोड़ी क्लैरिटी आएगी ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये जो आपके केमिकल टेस्ट हैं इनके स्पेसिफिकेशंस को और क्लियरली मेंशन करने की जरूरत। और एक तो हम लोगों को पता है ये बात कि 2022 में आपका सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन कर दिया गया है, आपका सिंगल यूज प्लास्टिक अब यूज नहीं किया। इसी के साथ ही हमने GS3 के जो टॉपिक्स आपके 1 अप्रैल के एडिटोरियल्स में आए थे वो सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में।